हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनेट टेंस और सिंपल पास्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब से पहले हम पार्ट वन अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने फोर यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनेट टेंस पढ़े हैं, तो आज हम पार्ट टू लेकर आए हैं, तो इसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट यूज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो इसमें पहला यूज है इफ क्लोज में पास्ट इंडेफिनेट टेंस आता है, पास्ट इंडेफिनेट आता है जब मेन क्लोज में कुड आया हो, वुड आया हो, शुड आया हो, माइट आया हो। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे इफ ही वर्कड हार्ड, ही वुड पास। तो इसमें देखेंगे इफ क्लोज, यानी इफ क्लोज यहां से लेकर यहां तक है, तो इफ क्लोज में पास्ट इंडेफिनेट टेंस आया है। यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। क्यों आई है? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक मेन क्लोज है, इसमें क्या आया हुआ है? वुड आया हुआ है। तो यदि यहां विल आता है तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यदि यहां सेल आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यदि कैन और मे आते हैं तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और एग्जांपल देखिए इफ मोहन ट्राइड हिज बेस्ट, He could cross the river। तो यहां देखिए if clause यहां से लेकर यहां तक का है, तो यहां verb की second form आई है। क्यों आई है? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक main clause है, इसमें could आया है। तो यदि मोहन अपना अच्छा प्रयास करता, ही कुड क्रॉस द रिवर, वो नदी को पार कर सकता था। यदि वह मेहनत करता तो वह पास हो जाता। तो इस तरह से जब मेन क्लोज में कुड, वुड, शुड, माइट आए, तो इफ वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो रूल सेकंड, टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट और पास्ट एक्शन, यानी भूतकाल के कार्य को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने में पास्ट इंडेफिनेट टेंस आती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए एडिसन एक साइंटिस्ट का नाम है, एडिसन इन्वेंटेड, एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, कि एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। तो यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये पास्ट इवेंट है, भूतकाल की घटना है, भूतकाल का कार्य है। और एग्जांपल देखिए सेकंड, आई सा मैनी वाइल्ड एनिमल्स,
इन द जू। तो यहां देखिए आयशा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि मैंने चिड़ियाघर में बहुत सारे जंगली जानवर देखे। कि मैं कभी चिड़ियाघर में गया था पिछले दिनों, तो मैंने चिड़ियाघर में जंगली जानवर देखे। तो ये पास्ट इवेंट है, पास्ट एक्शन है। रूल थर्ड क्या है, यूज से रिलेटेड। जब सिंस का प्रयोग एक एडवर्ब के रूप में हो, तो एक वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आती है। प्रेजेंट परफेक्ट व दूसरे वाक्य में पास्ट इनडेफिनेट आती है। इनडेफिनेट आती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही हैज नोट रिटर्न, ही हैज नोट रिटर्न टू मी सिंस ही वेंट टू अब्रोड। तो ये देखिए, एक तरफ हैज नॉट रिटर्न यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये यहां पे सिंस आया है। दूसरी तरफ वाला वाक्य ही वेंट टू अब्रोड, तो यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, यानी सिंस के द्वारा दो वाक्य जुड़े हुए हैं। एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट है, दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनेट है। तो यहां सिंस का प्रयोग एडवर्ब के रूप में है कि उसने मुझे कोई पत्र नहीं लिखा है जब से वह विदेश गया। कि जब से वह विदेश गया उसने मुझे कोई पत्र नहीं लिखा है, तो यहां पे पास्ट इंडेफिनेट है, यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इट इज माय मोटिवेशन, इट इज माय सपोर्ट। नेक्स्ट रूल फोर्थ, जब दो वाक्य बिफोर के द्वारा जुड़े हों, तो बिफोर के बाद, तो बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनेट आता है। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो देखिए, द पेशेंट हैड डाइड, तो एक सेंटेंस है यहां तक का। दूसरा है द डॉक्टर केम, एक सेंटेंस ये है, और किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, बिफोर के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो बिफोर के बाद वाले वाक्य में पास्ट इंडेफिनेट टेंस आया है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं
कि भूतकाल के दो कार्य हैं, तो जो कार्य पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आती है, और जो कार्य बाद में होता है उसमें हम पास्ट इंडेफिनेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले रोगी मरा है इसलिए यहाँ पास्ट परफेक्ट आई है, बाद में डॉक्टर आया है इसलिए बाद में ये काम हुआ है, तो इसमें पास्ट इंडेफिनेट आई है। और देखिए एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, द बेल हैड गोन बिफोर द टीचर केम इनटू द क्लास। तो अब देखिए बिफोर आया है, द बेल हैड गोन एक वाक्य, द टीचर केम इनटू क्लास, घंटी जा चुकी थी, टीचर क्लास में आया, तो पहले कौन सा काम हुआ है, पहले घंटी बज चुकी थी, घंटी जा चुकी थी, बाद में टीचर आया है, तो कहने का मतलब टीचर के आने से पहले घंटी जा चुकी थी, तो पहले कार्य हुआ है तो इसमें पास्ट परफेक्ट आई है, और बिफोर के बाद जो कार्य है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, यानी बाद में होने वाला कार्य बिफोर के बाद लिखा जाता है। उसके बाद फिफ्थ रूल, जब आफ्टर के द्वारा दो वाक्य जुड़े हों तो आफ्टर के पहले, आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनेट आता है, यानी जब आफ्टर के द्वारा दो वाक्य जुड़े हों तो आफ्टर के पहले वाले वाक्य में पास्ट इंडेफिनेट आता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, रोहन केम आउट द क्लास आफ्टर द बेल हैड रंग, आफ्टर द बेल हैड रंग। तो अब देखिए आफ्टर आया है, दो वाक्यों को जोड़ रहा, द बेल हैड रंग, रोहन केम आउट द क्लास, केम आउट ऑफ द क्लास, केम आउट ऑफ द क्लास, तो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो आफ्टर से पहले वाले वाक्य में आप देखेंगे दूसरी फॉर्म आई है, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आई है, यानी रोहन घंटी बज चुकने के बाद कक्षा से बाहर आया। और देखिए दूसरा एग्जांपल, वी रीच्ड एट द स्टेशन, वी रीच्ड एट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो इसमें भी देखिए दो वाक्य हैं, वी रीच्ड एट द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुंचे, उसके बाद क्या आया है, आफ्टर आया है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी गाड़ी जा चुकने के बाद या गाड़ी चली जाने के बाद हम स्टेशन पर पहुंचे, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है आफ्टर से पहले वाले वाक्य में, और पीछे वाले वाक्य में आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट आया है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, बिफोर के बाद वाले वाक्य में, आफ्टर के पहले वाले वाक्य में पास्ट इंडेफिनेट टेंस आती है। रूल सिक्स्थ, देखिए
तो इसमें क्या है, टुगेदर विद, टुगेदर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ, और कब है, द पास्ट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट क्या करता है, यहां चल रहे कार्य को रोकने के लिए आता है। तो ऐसे वाक्यों में क्या होगा, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ पास्ट इंडेफिनेट आता है, तो इसमें क्या है, जो कार्य यानी लगातार चल रहा था, उस चल रहे कार्य को रोकने के लिए पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट आ जाता है। कैसे, अब देखिए एग्जांपल, दे वर प्लेइंग कार्ड्स, यानी वो कार्ड्स खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, व्हेन द फोन रैंग, यानी जब, यानी फोन की घंटी बजी तो वो क्या कर रहे थे, ताश खेल रहे थे, यानी फोन की घंटी ने उनका ये ताश खेलने का कार्य क्या कर दिया, बंद कर दिया, कि जब फोन की घंटी बजी तो वो क्या कर रहे थे, ताश खेल रहे थे। तो यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट प्रोग्रेसिव, और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट। और देखिए, रवि वाज रीडिंग आउटसाइड, आउटसाइड तो यहां वाहिल लगाइए, वाहिल, वाहिल रवि वाज रीडिंग आउटसाइड, इट स्टार्टेड टू रेन। तो यहां पे देखिए, इट स्टार्टेड वर्ब की दूसरी फॉर्म आई है, कि जब रवि बाहर पढ़ रहा था, तो यहां पास्ट कॉन्टिन्यूस है, कि जब रवि बाहर पढ़ रहा था, ये कार्य पास्ट में चल रहा था, तो वर्षा ने ये कार्य रोक दिया, तो इट स्टार्टेड टू रेन, वर्षा होनी शुरू हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ पास्ट इंडेफिनेट आया है, और कब आया है, पास्ट कॉन्टिन्यूस के कार्य को रोकने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने 6 प्रयोग पढ़े हैं, तो पहले हम 4 पढ़ चुके हैं, तो कुल मिला के 10 यूज पास्ट इंडेफिनेट के हो चुके हैं। तो पास्ट इंडेफिनेट के यूज यहाँ कंप्लीट होते हैं। इट इज एनफ फॉर टुडे। आई होप यू विल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।